कि जब आप कभी अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर्स ने आपसे कहा है कि आपका बच्चा तो ठीक है, पहले आप अपना आचरण सुधारिए? भले मजाक में कहा हो या ऐसे होता है? वैसे नहीं, वैसे होता नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको मालूम है कि कर तो एक्टिंग ही रहे हैं हाँ। और दिखने में भी शरीफ लग रहे हैं हाँ। तो हो ही नहीं सकता कि इतने बुरे हो जाएं। वो तो बोलते नहीं हाँ। लेकिन उनके आचरण से ऐसा लग जाता है। इनको लगता होगा। जब कभी कोई नया घर देखने जाते हैं, होता कि चलो आज एक फिल्म करिए, एक फ्लैट ले लेते हैं यहाँ पे, तो सोसाइटी वालों ने कहा है कभी आपसे कि सर देखिए ये शरीफों का मोहल्ला है? पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ ही साल पहले तक जी एक्टर्स को लोन नहीं मिलता था हाउसिंग का। एब्सोल्युटली राइट। यू नो, हम लोग सब उससे गुजर चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार लोग थोड़े क्रूअल भी हो जाते हैं। तो मुझे याद है कि एक टाइम में देयर वाज अ एब इन माय करियर, और तब मेरा बच्चा नर्सरी में गया था। अच्छा जी। तो मैं उसके प्ले स्कूल में गया था, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, कुर्ते में थे। मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा नमस्ते जी। और बच्चे का ना वो जो टैग रेस होता है ना, वैसा था। तो मैं प्ले स्कूल में इधर खड़ा हुआ था, बच्चे को ऐसे ऐसा कर रहा था, सब लोग अपने अपने बच्चे को ऐसे कर रहे थे, बच्चे अपने चल रहे थे जैसे। तो काफ़ी टाइम था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि छोटे छोटे रोल करके कैसे चलता है आपका, है ना? तो मतलब हाँ तो क्यों होता है, एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है आपको। सो जी हाँ, होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। कभी कभी लोग बड़े ऐसे क्रूल हो जाते हैं, हालांकि एक्टर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। yes. तभी तो अपने इमोशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ और भी सवाल है जनता के, वो ये कहते हैं कि जब आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाते हैं, तो वो आती है कि भाग जाती है? तो पायलट को जाकर बोलती है सर वो बुला रहे हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, कई बार जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आपके जो साथ बैठे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे याद है, सम ऑफ देम हैव बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया दुनिया को। तो एक बार याद है, हम लोग सामने बैठे हुए हैं, दो की सीट, और तो मैंने उनको कुछ मांगा, तो जो मेरे साथ सज्जन बैठे हुए ना, वो थोड़े ज्यादा एक्सक्यूज आई कॉल भैया कैन यू डू दैट ऐसे। अच्छा, तो उस समय जो है न्यूज़पेपर, मैं टीवी इसका तो टाइम नहीं था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर खोल रहा, वो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एक साउंड कर रहा है, तो बहुत देर चलता रहा। तो मैंने कहा यार, अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा, जितनी देर वो आ रही है वो एक ऐसा ऐसा करें। तो मैंने कहा अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक टाइम पर आया, बैंगलोर हम लोग जा रहे थे, मैं उठा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी जस्ट सेट आउट करके आई वेंट, उन्होंने हल्का सा वो दिया, देन आई वेंट टू द वॉशरूम, थोड़ी से बात बात करके निकलते निकलते थोड़े से हाथ को थोड़ी नमी रखी उसमें, अच्छा छिड़कने के लिए, समझे ना, बात सब करके थोड़ी सी नमी रख के वापस आया। अब मैं एक्सक्यूज मी यू जस्ट गेट अप, तो वो उठे मैं बैठा और मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच। वो जो उनको दिया था कि उसके बाद मेरे डाल के मैं सो गया, मैंने कहा भाई वो जो उन्होंने ऐसा किया होगा बहुत जरूरी था। There's a humor in it, और मुझे लगता है कि there's a fun in it and that's the joy of life. सर, कभी ऐसा हुआ आप खुद फिल्म देखने गए हो और आप ऐसे बैठे हैं, एक आदमी आया इधर बैठ गया और अपनी बीवी को इधर बिठा दिया, फिर आपको देखा, उसने कहा बीवी को तू इधर आ जा, ऐसा होता है आपके साथ? बहुत से गजब का किस्सा याद है, ये मेरे साथ नहीं हुआ था, हम लोग मेजर साहब की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा जी। पुणे में, और तब वो ATR एयरक्राफ्ट चलता था हाँ। और उसमें उस वक्त सीट नहीं दिए जाते थे, आप जैसे जो पहले आए बैठ जाते बैठ जाते, और हम लोग सब बैठे, तो अमित जी वाज ट्रैवलिंग बैक, तो अमित जी ने वो फर्स्ट रो में एकदम मतलब जिससे आराम से बैठ सके वहाँ पे बैठना जा रहे थे, तो कोई और बैठा होता है, कपल वाज सिटिंग। अच्छा जी। तो एयर होस्टेस ने जाके एक रिक्वेस्ट किया कि इफ़ यू डोंट माइंड वो बैठना चाहेंगे, तो हस्बैंड ने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई हैव टेकन द सीट, आई एम ट्रैवलिंग विद माय वाइफ, वाइफ कहती है जाओ ना पीछे। लाइफ में पहली बार मुझे अमित जी के साथ बैठा मिलेगा। कभी आपके किसी फैन ने किसी ऑकवर्ड सी जगह पे आपको सेल्फी के लिए पकड़ा है? मेरे पास किस्सा है, पर मैं बहुत सारे, देखिए मैं थोड़ा बातूनी हूँ,
अच्छा लगा आपको होगा, लगा होगा जो बात नहीं करते उनके शॉट भी कम ही लगते हैं शो में ना। अच्छा मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि आप एडिटिंग यहीं पर कर लेते हैं या बाद में? सामने तो बंदा बैठा है, उसी समय लिखी जा रहा है। यशपाल की चार लाइनें एक कटेगी। तो दिल्ली में जो बोल रहा है वो तो बैठ जाओ, ये बेस्ट है। वो जो बैठ जाओ ये मोमेंट तो कभी नहीं कट सकता था। जी सॉरी सर। तो दिल्ली में एक होटल में मैं एक टॉक देने गया था, मेरा एक मोटिवेशनल टॉक। तो हम लोग वो बात करके आई वेंट डाउन टू द वॉशरूम। अच्छा जी। तो कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े स्टाइल में रहते हैं ना, थोड़ा सा स्टाइल में। तो एट द वॉशरूम हम लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके, जो भी सब करके जब बाहर निकल रहे हैं, वो कहते हैं डू यू नो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन हू इज गोइंग टू आस्क फॉर अ सेल्फी इन अ वॉशरूम। आई सेड डोंट इवन ट्राई। मैंने एक स्कारफेस जैसा एक लुक दिया उसको। मतलब लोग कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं सर, और आपके ऊपर आप कैसे हैंडल करते हो? बड़ी बात होता है सर। कई अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे ये बाथरूम वाली बात करें तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ भी कैसा, और जब सारी चीजें क्लियर हैं फिर भी कई लोग पूछ लेते हैं अच्छा आप भी बाथरूम में? नहीं हमें तो आता नहीं, हम तो टीवी वाले हैं। ऐसे कभी कभी छह महीने बाद मैं कहा मेरे चाचा जी आ रहे हैं, कमोड़ में से निकलेंगे अभी। आप भी बाथरूम जाते हैं? मैं कहा नहीं, हाँ तो रिटर्न दे देते हैं, उसमें हो जाता है। खेच के थूक देते हम तो। कई तो बड़े भयंकर वाले फैन होते हैं, मतलब आप एयरपोर्ट पे चार लोग खड़े हैं, एक सरदार जी आए, चार लोग खड़े, सरदार जी आए, उन्हें मेरे कंधे पे हेलो हाय, हाँ ले भाई। वो अपना बन भी है ना, उनको लगता है कि यार पहले लोग मिलके थोड़ी देर बात करके बोलते हैं डायलॉग हो जाए ना, ऐसे भी होता है। अगर आप डायलॉग सुना दो, आपने घातक का, आपने घातक में काम नहीं किया, आपने घातक का डायलॉग सुना। पर वही है सर, ये ना एक तो लोगों को इतना वो आपको देख चुके होते हैं स्क्रीन पे कि अपनापन सा भी लगता है। जैसे मेरे साथ एक किस्सा हुआ, एक आदमी फोटो खिंचाया ऐसे कहता है एक फोटो, मैं कहा हाँ जी ले लीजिए, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो बाद में उसका कहीं फोन आ गया तो मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे भी ले गया। अच्छा वो ना, हाँ मैं बस निकल रहा और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। ऐसा भी होता है, पर प्यार है लोगों का, आप क्या कहें। चल मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।